हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे लेट मशीन की। लेट मशीन इम्पॉर्टेंट टूल कंपोनेंट है वर्कशॉप का। मैं इसके डिफरेंट पार्ट्स और प्रिंसिपल पार्ट्स के बारे में बात करूंगा और ऑपरेशंस भी दिखाऊंगा। सो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो लेट का है, दैट इज़ हेड स्टॉक। तो हेड स्टॉक आप देख सकते हैं, ये इसमें सारा ड्राइविंग मैकेनिज्म जो लेथ का होता है वो सिर्फ हेड स्टॉक में होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ गियर्स और स्पिंडल और चक भी माउंट है, ये लेथ के लेफ्ट साइड में होता है। उसके बाद बारी आती है चक की। तो चक में हम क्या करते हैं, वर्क पीस को होल्ड करते हैं, और ये 3 जार सेल्फ सेंटर्ड चक है क्योंकि ये वर्क पीस का खुद ही सेंटर निकालती हैं। और इसके बाद जो बारी आती हैं, दैट इज़ 4 जार इंडिपेंडेंट चेक। तो 4 जार इंडिपेंडेंट चेक जो होती हैं, ये बड़े वर्क पीसेस को होल्ड करने के काम आती है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज द टेल स्टॉक। टेल स्टॉक मशीन के राइट साइड में होता है और ये काम आता है लॉन्गर वर्क पीसेस को होल्ड करने के लिए, और ड्रिलिंग ऑपरेशन और रीमिंग ऑपरेशन इससे हम करते हैं। हमारा जो 4-way टूल पोस्ट है, इस पे हम टूल को माउंट करते हैं और साइमल्टेनियसली हम 4 टूल्स को इस पे माउंट कर सकते हैं। ये सारे जो टूल्स होते हैं, ये कटिंग टूल्स कहलाए जाते हैं, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स। और द मिडल पार्ट जो होता है लेथ का, दैट इज़ इन बिटवीन टूल पोस्ट, दैट इज़ इन बिटवीन हेड स्टॉक एंड टेल स्टॉक, दैट इज़ कैरिज। और इसमें सारा फीड मैकेनिज्म जो होता है, जिससे हम टूल को फीड करते हैं अगेंस्ट रोटेटिंग वर्क पीस। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, दैट इज़ बेड। सारे चीज़ें, कैरिज, हेड स्टॉक, टेल स्टॉक, इसी बेड पे माउंट होते हैं। और बेड्स के नीचे 2 लेग्स भी होती हैं और इसमें गाइड वेज होती हैं। तो चलिए हम बात करेंगे लेथ के ऑपरेशंस के बारे में, दैट इज़ प्लेन टर्निंग एंड स्टेप टर्निंग। मैं आप लोगों को ये 2 ऑपरेशंस डिमॉन्स्ट्रेट कराता हूँ। देख लीजिए, ये ऑपरेशन अभी चल रहा है, तो मैं स्टेप टर्निंग इसमें करता हूँ। स्टेप टर्निंग ऑपरेशन किस ऑपरेशन को कहते हैं, जिसमें हम प्रोड्यूस करते हैं वेरिंग डायाज, यानी कि डिफरेंट डायाज हम प्रोड्यूस करते हैं वर्क पीस पर। और ये जो आप वर्क पीस आप देख रहे हैं, ये माइल्ड स्टील वर्क पीस है। ये माउंट या होल्ड आप कह सकते हैं 3 जार सेल्फ सेंटर्ड चक में। और ये जो लेथ मशीन है, ये मोटर ड्रिवन लेथ मशीन है, ये मोटर से लेथ चलती है। और जिससे मैं ये काट रहा हूँ, ये जो कटिंग टूल है, ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल कहलाया जाता है। और इसका जो मटेरियल होता है वो HSS का होता है, हाई स्पीड स्टील का बना होता है ये कटिंग टूल। और जो ये कटिंग टूल माउंट है, ये टूल पोस्ट पे माउंट है। और जो हम फीड देते हैं, आप देख रहे हैं इस वीडियो में, इसमें 2 तरह के फीड लगते हैं। जब टूल अलोंग द वर्कपीस एक्सिस हम मूव कराते हैं, उस फीड को हम लॉन्गिट्यूडिनल फीड कहते हैं। और जब हम टूल को परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द वर्कपीस मूव कराते हैं, उसको हम लैटरल फीड कहते हैं। तो इन 2 ऑपरेशंस में, प्लेन टर्निंग ऑपरेशंस में, हम अनवांटेड मटेरियल रिमूव करते हैं और हम 2 तरह के फीड वर्क पीस पे देते हैं, लॉन्गिट्यूडनल फीड और लैटरल फीड। और इस बात का ख्याल रखा जाए इस ऑपरेशन में, जो हम हैंडल्स मूव कराते हैं, उसको हमने कंटिन्यूसली मूव कराना है। और हमारी जो फीड है वो बहुत ही कम होनी चाहिए ताकि सरफेस फिनिश अच्छा आ जाए। ये जो आप देख रहे हैं, इसमें चिप्स निकल रहे हैं, इनको हम चिप्स कहते हैं। और ये चिप्स हम कलेक्ट करते हैं ट्रे में। ट्रे होती हैं बेड के नीचे, बिल्कुल बेड के नीचे, जहाँ पे ये कलेक्ट होते हैं चिप्स। तो हम डिज़ायर्ड शेप देते हैं, जो हमें रिक्वायर्ड शेप है लेथ मशीन से, वर्क पीस को हम डिज़ायर्ड शेप देते हैं। तो ये ऑपरेशन ऑलमोस्ट फिनिश हो गया। तो आप देख लीजिए कितने खूबसूरत स्टेप्स बने। सो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ऑफ द चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़ इन फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।